हे गाइस, माय नेम इज शाबान, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ गूगल शीट। गूगल शीट गूगल की तरफ से दिया जाने वाला एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिसे हम एंड्रॉइड, विंडो, आईफोन, आईओएस, स्मार्ट टीवी कहीं भी सिंक कर सकते हैं बहुत इजीली, एंड आपका डेटा एक जगह रहेगा। आप कहीं से भी कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ट्रैवलिंग कर रहे हैं एंड ऑल, तो ट्रैवलिंग टाइम में भी आपको कोई डेटा एक्सेस करना है, कोई फाइल आपको देखनी है, कुछ चेंजेस करने हैं या ऑफिस का कुछ काम करना है, तो आप अपने फ़ोन से भी बहुत इजीली कर सकते हैं। एंड आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और कई लोग एक साथ मिलकर इस पे काम भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं या एक बजट बनाते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके फ्रेंड भी इसमें कुछ काम करें या कुछ इसमें ऐड करें या वो चेक करें, तो आप जस्ट उसमें एक ईमेल डालेंगे और आप उन्हें शेयर करके, आपके फ्रेंड को अगर कुछ इसमें चेंजेस करना रहता है या कुछ कमी रहती है तो वो वहां से चेंजेस करेंगे, तो यहां भी आपकी चेंजेस हो जाएगी। आपका डेटा बिल्कुल सेव रहेगा और कहीं से भी आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। पिछले कुछ वक्त से गूगल शीट बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है। पहले एक्सेल का बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था, बट अब गूगल शीट का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और फ्यूचर में गूगल शीट की डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि गूगल शीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप इसे बिजनेस पर्पज के लिए अगर यूज करते हैं तो कुछ पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। एमएस एक्सेल जो है उसे यूज करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे लग सकते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं गूगल शीट को यूज कैसे करना। आपको जाना है किसी भी ब्राउजर पे एंड सर्च करना गूगल शीट। यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन, फर्स्ट आपको यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता है, यहाँ पे आप ब्लैंक मिलेगी शीट एंड आप उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाता है। और ये रहा टेम्पलेट गैलरी, तो गैलरी में बहुत सारी टेम्पलेट मिल जाती हैं, आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं फ्री। तो अभी मुझे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो मुझे ब्लैंक चाहिए होगा, मैं इस ब्लैंक पे क्लिक करूंगा। तो ये रहा मेरा गूगल शीट, इसे हम मेन्यू कहते हैं, इसे टूल बार कहते हैं, एंड ये रहा रॉ हो गई, एंड ये कुछ कॉलम हो, एंड यहाँ ये शीट है। यहाँ पे आप एक से ज्यादा शीट एक बार में क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट का आप नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे दूंगा क्लास वन। रॉ को आप 1-2 में लिखा जाता है एंड यहाँ आप कॉलम को ABCD में लिखा गया है। यहाँ पे हम जिस पे काम करेंगे इसे सेल ही कहते हैं, कंट्रोल प्लस राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लास्ट कॉलम मिल रहा है, कॉलम को A से लेके Z तक लिखा गया है। आप यहाँ पे कॉलम को इंक्रीज भी कर सकते हैं, एंड अब मैं कंट्रोल एंड लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूँ तो मैं फर्स्ट कॉलम पे पहुंच जाऊंगा। यहीं पे अगर आप कंट्रोल एंड डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लास्ट रॉ पे आ जाए, यहाँ 1000 रॉ हैं। रॉ को अपने वर्क के अकॉर्डिंग इंक्रीज भी आप कर सकते हैं, तो आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ऐड दे रखें, यहाँ 1000 है, आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं, बट अभी मुझे ऐड नहीं करना, तो मैं जा रहा हूँ कंट्रोल एंड अप एरो की प्रेस करूंगा, यहाँ फर्स्ट रॉ पे पहुंच जाए। तो अब मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना डाटा फीड करूंगा, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, MRP एंड क्वांटिटी एंड अमाउंट। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इन सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं इनका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ एंड इसे बोल्ड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर दूंगा एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके ये प्लस आइकन पिक करके यहाँ से मैं इसे इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं सीरियल नंबर आज, एंड आप यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट नेम थोड़ा कॉलम छोटा हो रहा है, तो मैं इसे यहाँ से ऐसे ड्रैग करके आप यहाँ से ऐसे इसे बड़ा कर सकते हैं। आप इसे किसी भी कॉलम को एंड रॉ को आप बड़ा या छोटा बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूं। मैं इन सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे आप देख सकते हो अलाइन है, तो इसे अलाइन पे क्लिक करेंगे एंड आप इसे सेंटर कर सकते हैं, ये सेंटर अलाइन अब मैं आ जाऊँ एंड यहां पे मैं प्रोडक्ट नेम देता हूं, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ऑयल, वॉशिंग पाउडर, डेटॉल, ओडोनिल। मैं इसे सीरियल नंबर को यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं इसे अलाइन में जाके मैं इसे सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। मैं इसकी रेंडम MRP दे देता हूँ 55, क्वांटिटी भी मैं इसे रेंडम दे देता हूँ। अब अमाउंट,
मेरी 45 रुपीस का प्रोडक्ट 5 पीस है तो कितना अमाउंट होगा। तो मैं इसके लिए स्कल 2 प्रेस करूंगा एंड यहाँ आपके सजेशन में दे दिया C2, तो C2 एंड इनटू की जगह पे आप स्टार यूज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इनटू की जगह स्टार लगाऊंगा एंड D2 एंड आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो ये 245 अमाउंट दे रहा है। यहाँ आपके सजेशन में आएगा ऑटो सजेशन में कि आप ये टोटल अमाउंट फिल करना चाहते हैं, तो आप अगर यस करें, यस कर देते हैं तो ये सारा अमाउंट आ चुका। अब यहाँ पे आप जाएंगे, अब मुझे इसका टोटल निकालना है तो मैं स्क्वल टू प्रेस करूंगा सम एंड आपका यहाँ सजेशन में आ जाएगा E1 E1+ एंड यहाँ अब आपके सजेशन में आ जाएगा E1+ E7, तो मुझे इंटर प्रेस करना है एंड अब आप ये देख सकते हो ये टोटल अमाउंट आ चुका। गूगल शीट की सबसे खास बात ये है कि आपको इसे बार बार सेव नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक सेव ले लेता है। एंड अब मुझे इसे डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से सिंपली जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको इसे सेव करना है, ओपन डॉक्यूमेंट में करना है या PDF में करना है। मुझे इसे PDF में डाउनलोड करना है तो मैं इसे प्रेस करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका प्रीव्यू दिखा रहा है, यहाँ आपको लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में। यहाँ से आप अपना साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे ये चाहिए A4 साइज में एंड मुझे ये पोर्ट्रेट में चाहिए, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये PDF डाउनलोड हो चुकी। आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, सो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल। थैंक यू।